नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएए को लेकर नवगछिया में परिचर्चा का हुआ आयोजन। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने विपक्ष पर लगाया युवाओं को भड़काने का आरोप। कड़ाके की ठंड को देखते हुए 28 दिसंबर तक जिले के सभी विद्यालय रहेंगे बंद। डीएम प्रणब कुमार ने जारी किया आदेश। नहीं थम रहा भागलपुर में कला केंद्र का विवाद। थाना हटाने की मांग को लेकर समाजसेवियों ने दिया धरना। जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों को पॉस मशीन का दिया गया प्रशिक्षण। आधार और कार्ड नंबर से होगी ग्राहक की पहचान। और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जदयू ने की बैठक। संगठन विस्तार पर हुई चर्चा। अब समाचार विस्तार से। पुलिस जिला नवगछिया के स्टेशन परिसर में गुरुवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल को लेकर परिचर्चा का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित परिचर्चा में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, पार्टी के मंडल अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति सदस्य शामिल हुए। मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और राष्ट्रहित में कार्य करने की बात कही। मंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम देश हित में है और इसमें आम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एनआरसी और सीएए को लेकर विपक्ष देश की जनता को भ्रमित कर रहा है। साथ ही मंत्री ने विपक्ष के नेताओं पर देश के युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया। मौके पर जिला अध्यक्ष सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। संशोधन कानून क्या है, क्यों जरूरत पड़ी है, तो मैंने बताया कि धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ और तब से जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये जो मत के मानने वाले लोग हैं, आज इस देश में 47 के विभाजन के बाद करोड़ों लोग आए थे, लेकिन उन करोड़ों लोगों को गांधी जी ने कहा था, पूर्ववर्ती सरकार ने क्यों नहीं नागरिकता दिया। और इस नागरिकता के बारे में 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, आपने कांग्रेस के लोगों ने उस समय सदन में मांग किया था कि जो लोग प्रताड़ित होकर के हिंदुस्तान में आए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से आए हो, चाहे वो बांग्लादेश से आए हो, चाहे वो पाकिस्तान से आए हो, चाहे किसी देश से, जो हिंदू, जो पारसी, जो सिख ईसाई, जो जैन बुद्ध प्रताड़ित होकर आए हैं, उनको यहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने 28 दिसंबर तक सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश में डीएम ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिले के सभी विद्यालय 28 दिसंबर तक बंद रहेंगे। साथ ही उन्होंने आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्यवाही करने की बात कही। शहर की धरोहर कला केंद्र को बचाने एवं जोक्सर थाना को कला केंद्र से अविलंब हटाने की मांग को लेकर गुरुवार को कला केंद्र गेट के समीप रामधुन का आयोजन किया गया, जिसमें कला प्रेमियों ने धरना के माध्यम से कला केंद्र को समाजसेवी और भू माफियाओं से बचाने की मांग जिला प्रशासन से की। धरना पर बैठी अनामिका शर्मा ने बताया कि शहर की धरोहर को हड़पने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कला केंद्र को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने और जीर्णोद्धार करने की बात कही। हम लोग यहाँ पर कला केंद्र के साथ साथ जो हुआ था कि यहाँ पर थाना खोलने की जो बात हुई थी, हालांकि आज के अखबार में हमने देखा है कि डीआईजी साहब ने आदेश दिया है, लेकिन हम उस आदेश को नहीं मानते हैं। हमें लिखित आदेश चाहिए कि कितने दिनों के अंदर, वो तारीख भी सुनिश्चित होना चाहिए कि किस तारीख को थाना यहाँ से हटेगा। हमारी दूसरी मांग है कि यहाँ के जो दागी प्राचार्य हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए, नए प्राचार्य की नियुक्ति करनी चाहिए। तीसरी कि यहाँ की जो कमेटी है उसको, वर्तमान जो कमेटी है कला केंद्र की, उसको पूरी तरह से निरस्त कर दी जाए और नई कमेटी का गठन हो, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग, सभी बुद्धिजीवियों वर्ग की जो है उसमें सहभागिता हो। वहीं जोक्सर टीओपी को कुछ दिनों तक कला केंद्र में रखने की मांग को लेकर वार्ड पार्षदों ने धरना दिया। धरना पर बैठे पार्षदों ने कहा कि कला केंद्र शहर की संपत्ति है और इसको बचाने के लिए वह लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। नाथनगर प्रखंड के ट्राइसम भवन में गुरुवार को जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को पॉस मशीन चलाने का प्रशिक्षण दिया गया।
मास्टर ट्रेनर महेश कुमार, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सुबोध कुमार एवं मनीष कुमार ने सभी डीलरों को मशीन से संबंधित जानकारी दी। एमओ अतुल कुमार ने बताया कि एनआईसी हैदराबाद के द्वारा सर्वर में सुधार किया गया है, जिससे पॉस मशीन में लिंक फेल रहने की समस्या समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि लाभुकों को पॉस मशीन से खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। मौके पर निरंजन यादव, गौरव कुमार, राम कुमार दास, मित्तल मंडल, पप्पू मंडल सहित कई डीलर मौजूद थे। अभी जो सरकार के अनुसार सभी जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं को पॉस मशीन से वितरण करना है, तो इसका पहले प्रशिक्षण दिया गया था और आज उसका रिफ्रेशर ट्रेनिंग है। मतलब कि जो आपको समस्याएं हैं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसी के लिए आज विभाग के द्वारा और जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा जो आदेश दिया गया था उसके हिसाब से आज यहाँ दोबारा प्रशिक्षण दिया। भागलपुर के कचहरी चौक स्थित होटल में गुरुवार को युवा जनता दल ग्रामीण एवं महानगर संयुक्त द्वारा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण एवं महानगर स्तर पर सदस्यों का गठन कर उन्हें कार्यभार सौंपा गया। इस दौरान युवा जिलाध्यक्ष रजनीकांत सिंह ने कहा कि बैठक में पार्टी का ग्रामीण स्तर पर विस्तारीकरण किया गया। इस दौरान लगभग 20 सदस्यों को कार्यभार सौंपा गया। मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता संतोष कुमार ने बताया कि आगामी 2020 के चुनाव की तैयारी को लेकर ग्रामीण स्तर पर विस्तारीकरण किया जा रहा है। मौके पर युवा जिलाध्यक्ष रजनीकांत सिंह सोनी, युवा बांका प्रभारी सूर्यकांत पटेल, उपाध्यक्ष सह जिला प्रवक्ता अभिषेक कुमार सिंह, संतोष कुमार सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज यही उद्देश्य है कि युवा टीम को विस्तार करना, जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अभय कुशवाहा जी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है युवा को आगे बढ़ाने का, नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने का, इसलिए हम यहां पर एक बैठक कर रहे हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हां, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, सीबीएसई करिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। शानदार बैंक्वेट हॉल में भव्य शादी का आनंद लीजिए अब अपने शहर भागलपुर में। शहर के हृदय स्थल तिलकामांझी चौक पर स्थित मान्यवर बैंक्वेट हॉल अब आपकी सेवा में सदैव तत्पर। 23,000 वर्ग फीट में फैला मान्यवर बैंक्वेट हर तरह की आधुनिक साज सज्जा एवं सेंट्रली एयर कंडीशन के साथ शादी, रिसेप्शन, पार्टी एवं अनेक आयोजनों में 4 चांद लगाने को तैयार। शानदार वेन्यू एवं लाजवाब गेस्ट हाउस, बिहार झारखंड का इकलौता स्मार्ट बैंक्वेट हॉल आपके शहर भागलपुर में अब आपके लिए। मान्यवर बैंक्वेट हॉल, खुशियां बांटें अपनों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शीतलहर ने शहर को पूरी तरह आगोश में ले लिया है। ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन भी लगातार स्कूल बंद रखने का आदेश जारी कर रहा है। इधर पिछले कई दिनों से कनकनी बढ़ गई है, ऐसे में छोटे बच्चे और बुजुर्ग ठंड की चपेट में आ रहे हैं और कई तरह की बीमारी के शिकार हो रहे हैं। सर्दी, जुकाम, संक्रमण और वायरल बुखार को लेकर भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार ने कहा, सबसे पहले बच्चों को पर्याप्त कपड़ा पहनाएं और जरूरत पड़ने पर ही बच्चों को घर से बाहर निकलने दें। सबसे पहले ये बता दूं कि बच्चों का सरफेस एरिया बड़ों की तुलना में ज़्यादा होता है, तो उसका बाहरी क्षेत्रफल, यानी इसका मतलब हुआ उसका बाहरी क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और ऐसे में उसे ठंड लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा, उसके चमड़ी के नीचे, स्किन के नीचे फैट की का लेयर कम रहता है और उसी वजह से उसको ज़्यादा ठंड लगती है। बच्चों को
ढकने का प्रयास करना चाहिए, और जहाँ तक नवजात शिशु का बात है उसको देह से चिपका के रखना चाहिए, देह के गर्मी को डालना चाहिए, और ज़्यादा प्रीमेच्योर बच्चे जब रहते हैं तो उसको बॉडी से बॉडी स्किन से स्किन कंटेक्ट भी कराना चाहिए ताकि उसको गर्मी रहे, और उसे ऊनी कपड़े से पैर में मोजा टोपी और देह में स्वेटर, सिर्फ ढकने से काम नहीं, कई बार औरतें क्या करती हैं कि कपड़े से लपेट देती हैं, उससे नहीं होता है, उसको शरीर में कपड़ा पहनाना चाहिए, तो इस तरह से उसको गर्म रखना आवश्यक है क्योंकि उसको बहुत जल्दी ठंड लग जाती है जो जानलेवा होता है। भागलपुर कचहरी चौक स्थित होटल में गुरुवार को लोकार्पण सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह का उद्घाटन CTSP सुशांत कुमार सरोज, मेयर सीमा शाह, तिलकामांझी विश्वविद्यालय के VC AK रॉय, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह, संपादक रोशन कुमार सिंह एवं अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान पत्रिका के संपादक रोशन कुमार सिंह ने बताया कि युवा दुनिया को एक बेहतरीन विकल्प दे सकता है, इसके लिए युवाओं को सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व को समझना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यंग प्रदेश एक शुभ भविष्य को लेकर आगे बढ़े, ऐसी कामना करते हैं। वहीं CTSPS के सरोज ने कहा कि समाज के हर पुरुष को महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए और यही शिक्षा हमें अपने बच्चों को भी देनी चाहिए। मौके पर मेयर सीमा शाह, CTSPS के सरोज, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह, स्वामी आगमानंद जी महाराज, AK राय समेत कई बुद्धिजीवी एवं समाज सेवी मौजूद थे। जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों को उपलब्ध कराया गया POS मशीन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिसको लेकर प्रतिदिन लाभार्थी और डीलर के बीच नोकझोंक हो रही है। सर्वर नहीं रहने के कारण POS मशीन काम नहीं करता है, वहीं उपभोक्ता भी लिंक फेल रहने से परेशान रहते हैं। नाथनगर प्रखंड के डीलर ने बताया कि प्रत्येक दिन 10 बजे से मशीन का लिंक फेल हो जाता है, वहीं उपभोक्ता राशन के लिए परेशान करते हैं। परेशानी हम लोग कल से आ रहे हैं, घूम घूम के जा रहे, बासी मुंह अभी तक बैठे हैं, न बच्चा खाना बनाया है न कुछ किए, राशन नहीं मिल रहा, सुबह बैठे बासी मुंह आके यहाँ बैठे, बाल बच्चा को छोड़ के। क्या यहाँ क्या क्या कहें दे रहा है, वहाँ काम ही नहीं हो रहा, परेशानी है कि नहीं मिल रहा है, कल भी घूर गए आज भी घूम रहे हैं, काहे मिल रहा है, काहे मिल रहा बोलता है, नहीं आता है, नहीं हम लोगों को परेशानी है कि सर्वर नहीं मिलता है, कितना देर वेट करना पड़ता है, सर्वर नहीं मिलता है, ग्राहक लोग बैठे रहता है। भागलपुर के उर्दू बाजार स्थित सरोजनी क्लासेस में गुरुवार को इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस दौरान RMO और NMO में उत्तीर्ण हुए छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, वहीं गणित में रुचि रखने वाले छात्र भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रोफेसर DN सिंह ने छात्रों को स्वाध्याय और अभ्यास के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर डॉक्टर AK दास, डॉक्टर PK प्रभाकर सहित सोसाइटी के सदस्य एवं छात्र मौजूद थे। इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड का ट्रेनिंग कैंप, ये भारत सरकार का एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अधीन नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स मुंबई में स्थापना की, इसी के द्वारा यह प्रायोजित है और हम साउथ बिहार के रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं, तो उनके बिहाफ में हम इनका आयोजन यहाँ ट्रेनिंग कैंप का कर रहे हैं, जो आज से 30 तारीख तक, कल से 12 बजे से 3 बजे तक ये वर्कशॉप एक प्रशिक्षण कार्यालय है। बांका के रजौन स्थित शिवमणि चिल्ड्रन एकेडमी में गुरुवार को एजुकेशन फेयर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन TMBU के पूर्व कुलपति क्षमेंद्र कुमार सिंह, संस्था के सचिव शिव पूजन सिंह, अचल भारती एवं अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान छात्रों के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी, करियर गाइडेंस, क्विज प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व कुलपति ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा एवं सामाजिक कार्यों में शिवमणि वेलफेयर की भूमिका काफी सराहनीय है, ऐसे आयोजन से छात्रों का शैक्षिक एवं मानसिक विकास होता है। इसके पूर्व सभी अतिथियों का स्वागत संस्था के सचिव शिव पूजन सिंह ने किया। मौके पर प्राचार्य शैलेंद्र कुमार, महादेव बौश्की, समीर कुमार, ममता, वर्षा, शिल्पा सहित स्कूली छात्र एवं अभिभावक मौजूद रहे। सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्रिसमस के अवसर पर बुधवार की देर रात भागलपुर ततारपुर स्थित रहमान नर्सिंग होम में क्रिसमस सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर रहमान और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इमराना रहमान ने लोगों को मैरी क्रिसमस की बधाई दी और प्रभु यीशु के संदेश से प्रेरणा लेने की बात कही। डॉक्टर रहमान ने सबसे पहले ईसाई समुदाय के लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी और इसे एक उत्सव के रूप में मनाए जाने की बात कही। वहीं डॉक्टर इमराना रहमान ने कहा कि यह त्यौहार हमें प्रेम और करुणा का पैगाम देता है। मौके पर छोटे छोटे बच्चों ने संता क्लॉज के वेश में जमकर मस्ती की।
ब्रदर जेवियर टोपनी, शानी टीएल, जॉबी थॉमस समेत कई लोगों ने डॉक्टर रहमान के कार्यों की जमकर प्रशंसा की और इस तरह के आयोजन को विभिन्न धर्म और समुदाय के लोगों के लिए फायदेमंद बताया। मौके पर डॉक्टर सनातन कुमार, डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर शशि शंकर, गोविंद अग्रवाल, सुजीत लाल, दानिश रहमान, जोहेब रहमान समेत कई समाजसेवी मौजूद थे। हम संदेश ये देना चाहते हैं कि पहले हम इंसान हैं, उसके बाद कुछ हैं, तो हम दूसरों की खुशियों में क्यों नहीं हम हिस्सेदार बने। हमारे यहाँ इतने सारे एम्प्लॉय हर समुदाय के हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि हम उनके साथ खुशियों में शामिल हों। इसको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया है और हमारे साथी से लेके हमारे डॉक्टर समुदाय के बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं और हम इसको हर साल करते हैं। क्रिसमस के संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो ईसाई हो, सर्वधर्म हमारे लिए बराबर है। पर हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हर धर्म को लेके चलना है। आज हमारे यहाँ क्रिसमस में हम क्रिश्चियन के यहाँ जा रहे हैं और क्रिश्चियन हमारे यहाँ हिंदुओं के धर्म में हिंदू हम के यहाँ आते हैं। भागलपुर DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल में क्रिसमस के अवसर पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों ने जिंगल बेल के धुनों पर जमकर मस्ती की और प्रभु यीशु को याद किया। वहीं संता के वेश में कई बच्चों ने नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल पूजा कुमारी ने बताया कि संता ने बच्चों के बीच गिफ्ट बांटे। इसके बाद स्कूल की ओर से बच्चों को शहर के विभिन्न गिरजाघरों का दर्शन करवाया गया। मौके पर स्कूल की डायरेक्टर विनीता देवी, डॉक्टर सहदेव मंडल, डॉक्टर कुंदन शाह, सौरभ कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। CAA को लेकर नवगछिया में परिचर्चा का हुआ आयोजन। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने विपक्ष पर लगाया युवाओं को भड़काने का आरोप। कड़ाके की ठंड को देखते हुए 28 दिसंबर तक जिले के सभी विद्यालय रहेंगे बंद, DM प्रणब कुमार ने जारी किया आदेश। नहीं थम रहा है भागलपुर में कला केंद्र का विवाद, थाना हटाने की मांग को लेकर समाज सेवियों ने दिया धरना। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को POS मशीन का दिया गया प्रशिक्षण, आधार और कार्ड नंबर से होगी ग्राहक की पहचान। और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जदयू ने की बैठक, संगठन विस्तार पर हुई चर्चा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।